गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज डेट है 19th of May 2023 और बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें कुछ पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला है। और हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें जो फर्स्ट ट्रेड लेना चाहिए वो हमें बुलिश लेना चाहिए। और हम जो बुलिश ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं पुट्स को शॉर्ट करके। तो मैंने एट द मनी 43,900 का पुट जो है अपनी स्टॉप अपनी वॉच लिस्ट में लगा रखा है और इसको हमने शॉर्ट किया है 295 के भाव पे। अभी देखते हैं कि यहाँ से इसका भाव टूटता है या भाव बढ़ता है। अगर भाव टूटेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स आती है और इस पुट का जो भाव है वो बढ़ता है तो हमें लॉस होगा। तो अभी फ़िलहाल हमने जो क्वांटिटी शॉर्ट की है वो बस 50 क्वांटिटी शॉर्ट की है। उसका जो रीज़न है वो ये है कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को थीटा डिके जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी आज उतना परफेक्टली वर्क नहीं करती, इतना ईजी प्रॉफिट बनाना आज हमारे लिए नहीं होता है। तो बात करते करते मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल गई और पुट का जो भाव था वो हल्का सा बढ़ गया है और फ़िलहाल हमें ये 800, 900, 1000 के अराउंड का लॉस दिखा रहा है। और इस ट्रेड में जो हम मैक्सिमम लॉस लेंगे वो 60 पॉइंट्स का लेंगे, जो होगा 2500 के अराउंड। अभी ये ट्रेड चल रहा है और मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को होल्ड करने के लिए देख रही है। तो हमें कुछ प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट वापस से पलट गई और अभी हमें 1300-1400 का लॉस दिख रहा है। अगर ये लॉस बढ़ेगा हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे कोई अगली अपॉर्चुनिटी के लिए और उसके ही अकॉर्डिंग हम अगला ट्रेड अपना बनाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाती है तो इसी ट्रेड को हम होल्ड करेंगे जब तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। फ्राइडे के दिन थीटा का वैल्यू हाई होता है जिसकी वजह से डीके मार्केट में प्रीमियम्स का ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और डीके नहीं देखने को मिलेगा तो ऑप्शन सेलर के लिए वो नुकसानदायक होगा। अभी शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए अभी बात करते करते हमारा 2400 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगली तो उस पर हम ट्रेड लेंगे, या नहीं मिलेंगी तो वेट करेंगे। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आज नहीं मिलती है तो हम मार्केट से आज एग्जिट कर लेंगे ये 2400 का लॉस लेके। तो दोस्तों CPR बैकग्राउंड की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मार्केट में और उस अपॉर्चुनिटी को हमने यूज़ किया है। और अगला जो मैंने ट्रेड बनाया है वो फिन निफ्टी की 400 की कॉल को शॉर्ट करके बनाया है जिसका एवरेज प्राइस है 67 रुपीज़, और हमारा जो 2500 का लॉस था वो अभी कवर होके 1500-1300 तक पहुँच गया है। अगर और ही यहाँ से रिवर्स जाएंगी तो फिर से हम इसको एग्ज़िट कर लेंगे और जितना नीचे जाते जाएंगे उतने हमारे स्टॉप लॉसेस को हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा पोजीशंस हेजिंग के लिए जो बनाया गया था वो मैं अभी एग्ज़िट कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अभी हमारा ऑलमोस्ट जो पूरा लॉस था वो कवर हो चुका है, इसने हमें -200 तक का लो दिखाया है। अब अगर यहाँ से मार्केट पलटेंगी तो मैं 2000 के अराउंड का लॉस ले लूँगा और उसके आगे मैं कोई भी और फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा। बट अभी प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो हम इसको ऐसे ही ट्रेल करके होल्ड करते रहेंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। देखिए अभी 1000 के अराउंड का हमको प्रॉफिट भी दिखा रहा है, बट ये हमारा टारगेट नहीं है। हम बस लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे बड़े पॉइंट्स लेने के लिए। मार्केट में फॉल आता जाएगा, हम लोग स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाएंगे और बड़े प्रॉफिट्स को निकालते जाएंगे। तो अभी ब्रेक इवन के अराउंड ही चल रहा है,
500, 600, 1000 प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इधर ही हावर कर रहा है मार्केट। आज के ट्रेड के पीछे का जो फर्स्ट रीज़न था वो था कि फ्राइडे को हमें दोनों ही साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता था। मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी थी, और जो फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था वो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें अपसाइड ट्रिगर मिला था, उस वजह से हमने फर्स्ट ट्रेड बुलिश लिया था। और सेकंड ट्रेड जो हमने लिया है वो CPR ब्रेकडाउन के ऊपर लिया है। तो अभी एक समय पर ये प्रॉफिट जो है वो 2000 रुपीज़ प्लस दिखा रहा था। तो मार्केट में बड़े पॉइंट्स के लिए हमें वेट क्यों करना चाहिए? अगर हम बस लॉस रिकवर करने के लिए वेट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो बड़े हिट होते जाएंगे और हमारे टारगेट छोटे ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाएंगे। तो मैंने अभी इसमें से कुछ क्वांटिटी अपनी हल्की कर ली है, क्योंकि इसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट अभी दिखा दिया है मार्केट ने। इस वाले ट्रेड को हम लोग लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने के लिए इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारा जो लॉस है वो तो रिकवर हो ही गया है और अब हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे आ गया है। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, या मार्केट इधर ही होल्ड करेंगी तो मैं अपनी जो लॉसेस है उसको कॉस्ट के अराउंड लाइक 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे आज मार्केट को बंद कर दूंगा। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि लॉसेस को बड़ा कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को छोटा रखते हैं, जिसकी वजह से जब मंथ एंड में हम लोग काउंट करते हैं तो हम ओवरऑल लॉस में ही निकलते हैं। तो अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स आने को ट्राई कर रही है, लेकिन हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है, और अगर मार्केट में कुछ और होता है तो हम लोग उसके लिए भी रेडी है। तो भाई आज हमने हमारा जो ट्री क्लोज किया है वो ग्रीन क्लोज किया है, निफ्टी में ट्रेड और 1800 के अराउंड हमारा ओवरऑल आज का प्रॉफिट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ट्रेड सेफ, थैंक यू। दोस्तों एक 3 PM के अराउंड मैंने लास्ट ट्रेड लिया था जिसमें रिस्क बहुत ही कम था और उसके बदले में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। तो ये एक पार्ट जो है मैं अटैच कर रहा हूँ, आप लोग इसे देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।